अब हम लोग पीपरकुट्टी बाजार से जा रहे हैं अपने घर के लिए, गौरेला बाजार। और चाचा आज हमारे नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में आज भी चाचा का राज है। और ता कयामत तक, आखिरत तक, अंतकाल तक चाचा का की यादें हमारे जीवन में बनी रहेंगी। और चाचा निरंतर हमारे मध्य में रहेंगे, चाहे वो गाड़ी रहे ना रहे, लेकिन चाचा हमारे मध्य में रहेंगे। क्योंकि चाचा के बहुत सारे कार्यों का वर्णन अगर हम करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल बढ़ जाएगा, लेकिन चाचा की यादें और चाचा की बातें खत्म नहीं होंगी। क्यों साहिल भाई? सही बात है। तो साहिल भाई हमारे चाचा के छोटे पुत्र हैं, और जब से हम चाचा के साथ मुलाकात किए, उनके चेहरे में हमने झुर्रियाँ नहीं देखी। हमेशा प्रेम, सद्भावना, प्रशंसा और आगे बढ़ने के तरीके हमने उनके जीवन से सीखा, देखा, और उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए आज मैं अपनी सब्जी की दुकान चलाता हूँ और एक आधार सेंटर भी चलाता हूँ। और ये गौरेला में चाचा के माध्यम से ही मेरा आना जाना हुआ, और चाचा के घर में मैं रहता हूँ, चाचा के बच्चों के साथ रहता हूँ, अपने भाइयों के जैसा मैं उनके साथ व्यवहार रखता हूँ। और उनमें उन्हें एक जिम्मेदार ना गार्जियन के रूप में भी अपने आप को उनके मध्य में रखता हूँ, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि चाचा उनके मध्य में नहीं है। निरंतर चाचा की कमी को पूरी करते हुए ये एहसास उन्हें दिला के जाता हूँ कि हम सब एक हैं, भाई हैं। और काफ़ी अच्छे रोचक हम लोग आनंद करते हैं। आज हम मुर्रा और नमकीन नहीं खाए, क्योंकि आज हम डांस देख रहे थे और इसलिए हम भूल गए। आज मैंने बड़ा बड़ा खाया है वहाँ पे, क्षेत्री करेला का बहुत टेस्टी बड़ा, आलू बंडा और समोसा सिंगाड़ा मैंने वहाँ पे खाया, और दो तीन बार चाय पी और काफ़ी आनंद लिया मैंने उस गौरेला बाजार का, पीपरकुट्टी बाजार का। और आज ये वीडियो भी बनाने का सबक हुआ। बीते समय में मेरा कैमरा बंद था और मैंने बहुत बकबकाया, लेकिन मेरा कैमरा अब चालू हुआ है और मैं समझ नहीं पाया था, और मैं बहुत ही खुश हूँ, नसीब खुशी में मैं कैमरा चालू करना भूल गया। और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी की रफ्तार है, और इतने सारे जानवर बेरोजगार हो गए और आज उन्हें कुछ काम में नहीं लगाया जा रहा है। सरकार से हमारी अपील है कि हमारे गाय बैलों को भी काम दे। ये नाना प्रकार की कंपनियों को देश में लाकर हमारे जानवरों को बेरोजगार कर दिया है, देश को खोखला बना रहा है। मजदूर के को बेरोजगार कर रहा है। जब बैल की खेती हुआ करती थी तो टेस्टी भोजन भी प्रदान हुए करते थे। देखिए कितना अच्छा सुनहरा गांव का नजारा, गौरेला का नजारा, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला, रेलवे क्रॉसिंग भी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये ऊपर से रेल जाती है, नीचे से हम जाते हैं, और हमारा भाई साहब वहीं छूट गया है और हमने उसे छोड़ दिया। वो ट्रक से आएगा और सारा सामान लाएगा, क्योंकि मिर्ची चुग रहा था, बहुत टाइम लगा रहा था, इसलिए हम उसे छोड़ के आ गए, क्योंकि अभी हमको पाइप भी खरीदना है और हमें थोड़ा सा रेस्ट भी करना है घर में। बहुत खूबसूरत नज़ारा हमारे मध्य में है और बहुत ही आनंद हम लोग ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और मेरे दोस्तों से मेरी अपील है कि जल्द पैसा इकट्ठा करके मुझे दो माइक वाला ब्लूटूथ दिलवाए, ताकि मैं एक साहिल भाई के भी कॉलर में लगाऊं, एक अपने भी कॉलर में लगाऊं, ताकि हम बात कर सकें।
बहुत खूबसूरत गलियां हैं, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना दोबारा, यहीं पे ये शूटिंग हुई थी। और इस छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर बनाई जाती है, छैया भुइया, मोर छैया भुइया पिक्चर भी इसी रोड पे बनाई गई थी। और ये स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है ये, और बहुत अच्छा नज़ारा जो मैं आपने दिखा, आपको दिन में दिखाया था। और मेरी 15 मिनट की वीडियो जो थी वो बंद था कैमरा, मैंने ऐसे बकबका के रख दिया, मेरा नुकसान हो गया उसमें, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मैं उन बातों का अवलोकन करता हूँ, वो पुनः दोहराता हूँ कि आप सबों का, 1100 सब्सक्राइबरों का मैं व्यक्तिगत रूप से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना दोबारा, तेरा यहाँ कोई नहीं। पर ये गाना मेरे लिए झूठा साबित हो गया, मेरे यहाँ सब कोई है। और ऐसे रफ्तार से गाड़ियां जाती हैं यहाँ पे, और मोबाइल भी लोग चुरा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, छिंगा लेते हैं, छीन लेते हैं। और इसलिए मैं बहुत डरता हूँ वीडियो बनाने से, क्योंकि मेरा 2 बार मोबाइल ट्रेन से छीन लिया गया, और इसलिए मैं अब डर चुका हूँ। इसलिए मैं बहुत ही सादर तरीके से वीडियो बनाता हूँ, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मरना ग्राम है ये, और ये मरना ग्राम बहुत ही फेमस ग्राम है, बहुत ही हसमुख लोग यहाँ पे रहते हैं, और बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है ये, और ये बहुत सारा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ये होटल है, यहाँ पे हम साहिल भाई आते हैं कॉफी पीने के लिए, और बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, और यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ढाबा के रूप में है, लेकिन बहुत अच्छा फैमिली होटल है वो, और काफी आनंददायक, अच्छे टेस्टी टेस्टी व्यंजन बनते हैं यहाँ पे, चिकन चिल्ली, कोरवा, कबाब, कीमा, और इसके अलावा फास्ट फूड में चाउमीन, मोमोज, थोपा, और इडली, डोसा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और बहुत आनंद आता है। और मैं ये ब्रिज में अब जा रहा हूँ, और ये गौरेला पंडरा का ब्रिज मरवाही को जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर जो आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने कैमरे के माध्यम से, छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ एमपी को जोड़ता है, और खासकर हमारे गौरेला शहर में को की ओर ले जाता है। और बहुत सुंदर नज़ारा है रात के समय, कितने ठंडा मौसम है, मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत, गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और ये देखिए कितना अच्छा पार्क बना हुआ है, पार्क इधर बना हुआ है, पार्क देखिए, पार्क इधर देखिए, ये देखिए इधर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। अगर आप लोग और अच्छा मोबाइल दिला देंगे तो मैं और अच्छा वीडियो बना सकूंगा, क्यों भाई साहब? और एक गाड़ी भी चाहिए मेरे को, और मेरे को जो है स्टिक भी चाहिए, सेल्फी स्टैंड भी चाहिए, ताकि मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप लोग को के मध्य में रखूं, ताकि आप लोग देख सके कि भारत के कोने कोने में जाकर मैं वीडियो बना के और ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं। और बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत गौरेला, हमार गौरेला, हमार छत्तीसगढ़। और ये मैं देखो छत्तीसगढ़ी हो गया था अभी, मैं इतना भाविक, इतना उत्सुक हो जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी में बोलने लग जा रहा हूँ, हमार गौरेला, हमार छत्तीसगढ़, इतना उत्सुक। चटनी रोटी खाएंगे गौरेला में बस जाएंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके मध्य में मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना परिश्रम करके इसको बनाया गया होगा। और देख रहे नीचे कितनी खाई है,
गाड़ी हमारी धीमी हो गई है, तो वो हाथ छोड़ के चला रहा है वो अगला पर्सन। तो मैं डर रहा हूँ, 100 रुपये का कुछ आया है उसके पास। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल ही उपयोग करना जो है दुरुपयोग है, लेकिन फिर भी हमारा साहिल भाई बहुत एक्टिव है, बहुत होशियार है। बहुत खूबसूरत नजारा दृश्य जी। मोबाइल, अब हम गौरेला पहुंच गए हैं, पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।